उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में संक्रमण बुखार फैला हुआ है, जिससे अब तक 162 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के चलते शासन द्वारा सीएमओ आशाराम को भी निलंबित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार क्षेत्रों में डटी हुई हैं। बदायूं के जिलाधिकारी भी लगातार अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। बदायूं में भेजी गई लखनऊ से स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल टीम, ओपीडी का समय भी 2 घंटे बढ़ाया गया। अब ओपीडी 4 बजे तक खुलेगी। घर घर जाकर वो कैंप लगाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें चेकअप कर रही हैं। बदायूं में सबसे ज्यादा बुखार का प्रकोप सालार पूर्व जगत ब्लॉक में देखने को मिला। आपको बता दें, वायरल मलेरिया और डेंगू के प्रकोप से निपटने के लिए जिलाधिकारी ने जिले भर की फॉगिंग मशीनों को जिला मुख्यालय पर मंगाकर बुखार से प्रभावित गांवों में फॉगिंग के लिए भेज दिया है। जिले में पिछले काफी दिनों से संक्रामक बुखार का प्रकोप जारी है, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रामक बुखार से हो रही मौतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है, जिस वजह से वहां के सीएमओ आशाराम को शासन ने निलंबित कर दिया था। जिलाधिकारी के आदेश पर और मरीजों की बढ़ती संख्या देखकर जिला अस्पताल में एक्स्ट्रा वार्ड बनाकर उसमें 50 बेड डाले गए हैं। आपको बता दें, क्षेत्रों में लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें संक्रमण में लगी हुई हैं। लोगों को गांव-गांव जाकर व क्षेत्र व स्कूल में जाकर भी चेकअप किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी भी लगातार दिन रात मेहनत कर अस्पताल का निरीक्षण करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 5 टीमों का भी गठन किया गया है, जो हर समय समय पर जाकर मरीजों का चेकअप व उन्हें दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। फिलहाल अब स्थिति काबू है। चिकित्सकों की माने तो ये संक्रमण बुखार गंदगी के कारण बैक्टीरिया उत्पन्न हुए हैं, जिस कारण ये बुखार फैल रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।